भीषण गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी के चलते मंगलवार को मल्हारगढ़ ग्राम के लोगों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पानी के लिए मुंगावली और पुरवाई मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पानी की कितनी समस्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस भीषण गर्मी में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर पानी दो के नारे लगा रही थी। चक्का जाम किए ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8 दिनों से पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और कई किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है, जबकि नल जल योजना द्वारा दिए जाने वाली मोटर खराब हो गई, जिसको सुधरवाया भी नहीं जा रहा। वहीं जाम की जानकारी जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली तो मौके पर चौकी प्रभारी उमर सिंह धाकड़ ने ग्रामीणों से चर्चा कर जाम खुलवाया। इतने सही पर तो पर के जात पानी भर गई। कितने से बंद पानी? सबरी समस्या है पानी। कितने दिन से होगी ये समस्या? हम तो क्या साल के भोग रहे हैं, पानी ही नहीं है। जो घर घर नल लगे जैसे तो घर घर पानी तो हो। क्या कह रहे हैं पानी वाले, कुछ किसी बात की क्या? कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। तो कहाँ आए आप शिकायत करने के लिए? चौकी में आए। कौन सी चौकी? जी मल्हारगढ़। पानी नहीं, पानी की दिक्कत है हम लोगों को। फिर कहाँ से लाते हो पानी? अभी पानी लाते हैं, मलायागढ़ जाते हैं और पिपरिया के नल से लाते हैं, पत्थरगढ़ से लाते हैं। कितने दूर होगा लगभग ये आपके यहाँ से? 2 किलोमीटर पिपरिया, 1 किलोमीटर मलायागढ़ है। किसी से शिकायत की आपने? पानी नहीं करते हैं, कोई नहीं सुनता है पानी की। क्या कहते हैं सब? कोई बोलती नहीं है पानी क्या हाउ कह के चले जाते हैं। लगभग कितने से परेशान होगी? लगभग अबे 8 दिन पानी दिया है, 8 दिन के बाद 20 दिन से पानी नहीं है कम से कम। नल जल योजना से? हाँ। घर का टोंटी लगी है? घर का टोंटी लगी है सबके। पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा। पानी कौन ने बंद किया? नहीं आप पता ही नहीं पानी किसने बंद करा दिया? आपने को पता ही नहीं समस्या क्या, पानी क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं कोई नहीं बताया, किसी से ही बात नहीं। पानी की मांग करते हैं तो क्या देते हैं, थोड़ी देर में आएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं आज। सब लोग फिरते हैं हड़बड़ात पानी के लिए। अब कहाँ पे आए शिकायत करने के लिए? चौकी पे आए शिकायत करने, पानी चाहिए हम लोग। कौन सी चौकी? मल्हारगढ़ चौकी। उनकी पानी की समस्या, करीब 7-8 दिन से मोटर बंद पड़ी है, जो है फूक गई थी, क्या हुआ है? तो उन लोगों ने कई लोग अधिकारियों को उनको बताया, तो अधिकारियों ने नहीं सुना, जब जो है उन लोगों ने चक्का जाम किया था। लेकिन मैंने उनको समझाया, फिर समझाने के बाद उन लोगों ने जाम खोल दिया है और अधिकारी लोग भी आ रहे हैं, उनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए। कौन कौन से अधिकारी को अवगत कराया अभी आपने? मैंने तहसीलदार साहब को बताया और SDO PHE को बताया है, वो लोगों ने कहा है हम अभी आ रहे हैं और समस्या का समाधान हो जाए। मेरे को मल्हारगढ़ चौकी प्रभारी अमर सिंह ढाकर जी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा पानी का, पीने योग्य पानी न मिलने के कारण चक्का जाम कर दिया गया है। मैं सूचना मिलते ही यहाँ पर मौके पर आया, मैंने ग्रामीणों से उनकी समस्या सुनी, उनके द्वारा बताया है कि नल जल योजना जो संचालित की जा रही है शासन द्वारा, उसमें लगभग 6-7 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। तो मौके पर मैं SDO PHE भी थे यहाँ पर, तो उनके द्वारा SDO PHE को बताया कि जैसे मोटर जो चल रही है उसको तुरंत ठीक कराएं, और जो भी हैं पंप यहाँ पर ये ख़राब हैं उनको सही करा कर ग्रामीणों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराया। ये लोगों ने बताया कि इनकी कोई मोटर ख़राब थी, हम लोगों ने तब पानी चालू करा दिया। सर लगभग 15-20 दिन से परेशान थे, तो सर अभी तक अवगत नहीं हुआ आपका क्या? नहीं, हमें इनने डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगाया, इन्होंने किसी और से बात की, फिर जब अपने थाना SI साहब अमर सिंह साहब ने मेरे को बताया तो मैं आज आया देखा, कल तक मोटर सही कराया। और सर पानी क्या अभी गंदा बता है, पानी कुछ हैंडपम्प का लाल आ रहा है उसमें? हैंडपम्प में पानी बता रहे हैं कि एक में लाल आ रहा है, तो उसका हमने सैंपल ले लिया है, चेक करवा दिया, कोई विसंगति आई।